हेलो व्यूअर्स, आज शोभा पुरवाल्स किचन में हम बनाने जा रहे हैं कटहल का अचार। अचार बनाने से पहले कटहल को हमें तैयार करना पड़ेगा, जिससे यह अचार साल भर तक टिक सके। इसके लिए हमने कटहल लिया है। यह कटहल 600 ग्राम के करीब है, जिसे छीलने के बाद यह 400 ग्राम के करीब इसके टुकड़े हुए हैं। अब इन टुकड़ों में हम सबसे पहले हल्दी और नमक लगाएंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी हम डाल रहे हैं। वन टीस्पून सॉल्ट, नमक है यह डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमें इस कटहल को स्टीम करने के लिए रखना है। स्टीम करने से यह कटहल स्टरलाइज हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा। स्टीम करने का इसका तरीका यह है कि हम एक प्रेशर कुकर में पानी रखेंगे और उसमें जाली रखेंगे। यह देखिए, इसमें हमने ये जाली रखी हुई है और इसमें 1 ग्लास पानी के करीब हम डाल देंगे। ये कुकर का ही सेपरेटर है, इसमें हम एक कपड़े को बिछा देते हैं। एक कपड़ा रखेंगे, कपड़े में हम कटहल के पीसेस को रखेंगे। ये देखिए, ये हल्दी और नमक लगे हुए पीसेस हम कटहल में रख देंगे, कुकर में रखेंगे। इसे हमने डाल दिए। और इस कपड़े को हम रैप कर देते हैं इसी पे। क्या देखिए, और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसमें मॉइस्चर जरा भी नहीं जाना चाहिए। ये कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया और इसमें हम वेट नहीं लगाएंगे और इसे तब तक स्टीम करेंगे जब तक जाली के नीचे रखा हुआ पानी खत्म ना हो जाए। इसमें करीब 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। इसे अब हम स्टीम करने रख देते हैं। अब ये कटहल हमारा स्टीम हो गया है और इसे स्टीम होने में 10 मिनट का समय लगा। पहले आंच हमने तेज रखी थी और जैसे स्टीम बाहर आने लगी हमने मीडियम फ्लेम कर दिया। अब इसे हम खोलकर देखते हैं। कपड़ा रखने की वजह से कटहल में जरा सा भी पानी नहीं गया है और कटहल देखिए कितना अच्छा स्टीम हो गया है। पीसेस भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे हम किसी थाली में फैलाकर धूप दिखा देते हैं। अब हम इसे धूप दिखा देंगे। इसे कम से कम हम 1.5 से 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, जिससे इसमें जो भी हल्का फुल्का स्टीम की वजह से जो हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा वह भी सूख जाएगा। उसके बाद हम अचार बनाएंगे। यह नमक है, इसे हम हल्का सेक लेंगे। नमक को सेकने का कारण यह है कि नमक में जो मॉइस्चर होता है वह निकल जाएगा और जब हम अचार में मिक्स करेंगे तो यह नमक अचार के साथ मिलकर पानी नहीं छोड़ेगा और हमारा अचार खराब नहीं होगा और ज्यादा समय तक टिका रहेगा। इसे हम निकाल लेते हैं। यह देखिए, अब हम दूसरे मसाले भुनेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम गैस बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम
सौंफ को भुनेंगे। बिल्कुल हल्का ही सेकना है जिससे मसालों का भी मॉइस्चर निकल जाए। ज्यादा सेक देने से मसालों का टेस्ट खराब हो जाता है। बस हार्डली 30-35 सेकंड हम इसे भुनेंगे। इसे हमने निकाल लिया। गैस ऑन करते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे। यह पीली सरसों है, येलो मस्टर्ड, इसे हम सेक लेंगे। इसका भी मॉइस्चर निकाल लेंगे हम। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मेथी, ये मेथी दाना है। मेथी दाना हम कम मात्रा में डालेंगे वरना अचार में थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। ये सिर्फ हमें फ्लेवर के लिए डालना है। यह भी सेक गई है, इसका भी मॉइस्चर खत्म हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये बनारसी राई है, इसे हम भुनेंगे नहीं, इसे हम कच्ची ही पीसेंगे। अब इन मसालों को हम पीस लेते हैं। मिक्सी जार में हम सबसे पहले पीली सरसों डालते हैं और इसे दरदरी पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये हमारी पीली सरसों पीस गई है। सौंफ को हम मीडियम पीसेंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। अब अचार का मसाला तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। साइड बाय साइड हम नॉर्मल पानी का भी इंतज़ाम रखेंगे। और ये ठंडा पानी हमने इधर रख दिया है। यह तेल गरम है हमारा। अब इसमें हम कलौंजी डालेंगे। इसके बाद इसमें हम हींग डालेंगे। और पानी इसलिए हमने रखा है कि ताकि इस जो मसाला तेल में बन रहा है उस तेल के टेम्परेचर को हम सही रख सकें। उसके बाद ये हम 4 टेबल स्पून पीली सरसों, 4 टेबल स्पून पीली सरसों डालेंगे। ये देखिए, सौंफ डाल देंगे हम। अब हमारे तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है इसलिए पानी हम हटा देते हैं। मेथी दाना डाल देंगे, ये 1 टेबल स्पून मेथी दाना है। अब हम हल्दी डालेंगे। तेल के टेम्परेचर को सही करना इसलिए ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है हमने। और लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से, यह ज़्यादा तीखी नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये हम इसमें कम से कम 3 टेबल स्पून डाल देते हैं। तीखी नहीं है ये। सेक देने से बनारसी राई का वह गुण ख़त्म हो जाता है जो मसाले के साथ मिलकर खटास पैदा करता है। इसीलिए हम राई को कच्चा ही डालते हैं, बनारसी राई को। अब वह भी हम तब मिलाएंगे जब हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, बीच बीच में पानी के ऊपर इस मसाले की कढ़ाई को रख देने से इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। अब हम इसमें राई मिक्स कर देते हैं। तो राई है, कम से कम हम 3 टेबल स्पून राई डाल रहे हैं। 1 ये देखिए, ये राई भी हमने मिला दी। बहुत ही सुंदर कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाले को अगर जल्दी ठंडा करना हो तो इस पानी के बर्तन के ऊपर भी रख देते हैं, यह ठंडा हो जाएगा। नमक हम उतना मिलाएंगे जितना हमने कटहल और आम में डाल करके सुखाया था।
उसके हिसाब से हम नमक डालेंगे, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए इस बात का ख्याल रखेंगे। कटहल को हमने स्टीम दे दिया था, 10 मिनट स्टीम करके उसे धूप में सुखा दिया, 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, तो इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। कैरी को कद्दूकस करके उसमें हमने नमक हल्दी लगाकर 3-4 घंटे के लिए रख दिया था, और उसका पानी निकाल कर चम्मच से प्रेस करके उसका पानी निकाला, और उसे भी हमने धूप में सुखा दिया 2 घंटे के लिए, इसका भी मॉइस्चर खत्म हो गया। ये कच्चे आम, इन्हें भी हमने 3-4 घंटे हल्दी और नमक लगाकर इन टुकड़ों पर रख दिया था, इसका भी जब पानी छूट गया तो उस पानी को निकाल के फिर इन आम के टुकड़ों को भी हमने धूप में सुखा दिया। अब किसी भी चीज में कोई मॉइस्चर नहीं है। आम हमने 1 किलो से कुछ ज्यादा लिए हैं, 6 मीडियम साइज के आम हैं, जिनमें 3 आमों को हमने टुकड़े करके काट लिया है और 3 आमों को कद्दूकस कर दिया है। कटहल हमारा छीलने के बाद 400 ग्राम कटहल है, 400 ग्राम कटहल के टुकड़े हैं और करीब 1 किलो से कुछ ज्यादा आम के पीसेज हैं। अब हम मसाले में हम सारी चीजें मिलाएंगे। सबसे पहले हम कटहल मिक्स करते हैं। यह देखिए, कटहल को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें मसाले में और इसे मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा प्रेस करके मिक्स करेंगे जिससे कि मसाला अंदर तक चला जाए। अब हम आम के पीसेस मिलाएंगे थोड़े थोड़े करके। अब ये कद्दूकस किया हुआ जो आम है इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। इसकी वजह से यह जो मसाला है यह कटहल और आम के पीसेस में बहुत अच्छी तरह से लिपट जाएगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इस तरह से हम सारी चीजों को एक साथ मिला देंगे। यह बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए और सभी पीसेस में मसाला अच्छी तरह से लिपट जाना चाहिए। अब इसे हम एक शीशे की बोतल में भर देते हैं। इस बोतल को हमने गर्म पानी से धो लिया है और सुखा दिया है, और अचार भरने से पहले हम इसे 1 टेबल स्पून विनेगर डालकर निकाल देंगे, जिससे यह बोतल और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगी अचार के लिए। यह अचार अपने आप में अब इतना सेफ है कि इसे किसी भी तरह के देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसे मर्तबान में भर देते हैं। अब हम इस अचार को मर्तबान में भर देते हैं और इसे प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। अब इसे हम मर्तबान में भर देते हैं और इसे क्लिंग रैप लगाकर इसे क्लिंग रैप लगा देते हैं। 24 आवर्स के बाद हम इसमें 1/2 से 1.25 कप तेल गरम करके ठंडा करके इसमें डाल देंगे। ये हमारा अचार बनके तैयार है। आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।